स्वागत है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार रस्तोगी आज आपके सामने हम ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसका फिफ्थ पार्ट लेकर आए हैं। और जो कैंडिडेट हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह सबसे पहले हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके इमोशन मेंट है। कई बार इसमें से ऐसी के ऐसी रखे मिले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके, तो इसलिए हमने आपकी सीरीज शुरू की है और यह वीडियो का आपका फिफ्थ पार्ट है। इससे पहले चार वीडियो आपकी प्रोवाइड की जा चुकी हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। यह है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 101 से, और हमें 125 तक क्वेश्चन कवर करने हैं क्योंकि इससे पहले चार वीडियो में हमने आपको 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक हमने आपको समझाया था इसमें। और ये आज जो आपका वीडियो है यह है आपका 101 क्वेश्चन नंबर से लेकर 125 क्वेश्चन नंबर तक चलेगा आपका सीरीज। तो शुरुआत कर रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 101 की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी माही, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो सही आंसर है वह है आपका माही, ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यह है आपकी नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी, यानी कि आपका अरब सागर में गिरती है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 102, भारत की कौन सी पर्वतमाला सबसे ज़्यादा दक्षिण क्षेत्र की है, यानी कि इनमें से ऐसी पर्वत श्रेणी बतानी है सबसे दक्षिण में फैली हुई है। ऑप्शन नंबर ए है नीलगिरी, ऑप्शन नंबर बी अन्नामलाई पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर सी नल्ला माला पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर डी कार्डेमम पर्वतमाला। तो ऑप्शन नंबर डी का जो सही आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका, क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर डी यानी कार्डेमम पहाड़ियाँ सबसे दक्षिण में फैली हुई हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 103, भारत के समुद्र तट की लंबाई अरब सागर से संबंध यानी कि कितनी है? भारत की यानी कि समुद्र तटीय लंबाई अरब सागर से कितनी लगती है? ऑप्शन आपका है ए में दे रखा है 1,600, ऑप्शन नंबर बी 2,600 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 1,800 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 2,800 किलोमीटर। तो 103 का सही ऑप्शन जो है वह आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, 1,600 किलोमीटर यानी 1,600 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 104, ग्रीनविच मीन टाइम और भारत के मानक टाइम में अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए है -1 सही 1/2 घंटे का, -5 सही 1/2 घंटे का, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा +1 सही 1/2 घंटे का, और +5 सही 1/2 यानी 5.5 घंटा। तो इसका 104 का जो सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 104 का वह आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है, 5.5 घंटा इसका अंतर है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 105, 105 नंबर का क्वेश्चन नंबर है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन नंबर ए है कोसी, ऑप्शन नंबर सी बी है आपका झेलम, ऑप्शन नंबर सी ब्यास, ऑप्शन नंबर डी सतलज। तो क्वेश्चन नंबर आपका 105 का सही ऑप्शन है आपका सतलज नदी, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर? सतलज पर। प्रश्न नंबर आपका 105, महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या? बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, उड़ीसा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, भारत सबसे अधिक उत्पादन करता है ऑप्शन नंबर ए कॉफ़ी का, ऑप्शन नंबर बी तंबाकू का, ऑप्शन नंबर सी तिलहन का, और ऑप्शन नंबर डी गेहूँ का। तो इसका 107 का सही आंसर है तिलहन का, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है भारत। और इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 108, निम्न में से सबसे अधिक समृद्ध मिट्टी कौन सी है?
ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी जलो मिट्टी। तो 108 का सही ऑप्शन है आपका, वह आपका डी है जलो मिट्टी, सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है ऑप्शन नंबर डी जलो मिट्टी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 109, भारत का कौन सा केंद्र यानी कि भारत का कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र सबसे घनी आबादी वाला है। ऑप्शन नंबर ए पांडिचेरी, ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप। तो 109 का सही ऑप्शन है आपका दिल्ली, दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद है भारत में शक्य तेल स्रोत स्थित है यानी कि आपका पोटेंशियल ऑयल सोर्सेस पूछा गया है इसमें कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। तो 110 का जो सही ऑप्शन है वह आपका है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 111, भारत में स्वर्ण पाया जाता है यानी कि आपका ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर आपका है भारत में स्वर्ण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कोलार यानी कर्नाटक में, खेतड़ी बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी पन्ना, ऑप्शन नंबर डी कटनी। तो भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 111 का कौन सा ऑप्शन ठीक है, कोलार, ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। और जो आपका खेतड़ी है यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यानी कि आपका बी में दे रखा खेतड़ी, ये तांबे के लिए फेमस है। और पन्ना आपका हीरा निकलता है और कटनी वगैरह में सीमेंट का काम होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 112, जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, ऑप्शन नंबर ए है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं। तो इसका 112 का सही ऑप्शन है वह आपका है द्वितीय, जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है द्वितीय, पहला किसका है बांग्लादेश का। इसके बाद है भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 6, ऑप्शन नंबर डी में 10, यानी 4, 16, 6 और 10। इसका सही ऑप्शन जो है आपका, वैसे आपको बताएं ये ऑप्शन गलत छपा हुआ है क्वेश्चन नंबर 113 का, इसका जो सही आंसर है वह आपका यानी कि होना चाहिए था इसमें आपका 17, क्योंकि ये जोन पूछे गए रेल में कितने जोन हैं, ये ऑप्शन नंबर 16 नहीं है आपका 17 है। ध्यान रखना आप 2020 में जो रेलवे में कितने क्षेत्र हैं आपके, कितने क्षेत्र में विभक्त हैं, 17 हैं आपके, ये ध्यान रखना आप, इसका इसमें से ऑप्शन सब गलत दे रखे हैं आपके। इसके बाद है प्रश्न नंबर है 114, भारत में नई रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए है चितरंजन, ऑप्शन नंबर बी बनारस, ऑप्शन नंबर सी कपूरथला, ऑप्शन नंबर डी पेरम्बलुर। 114 का क्वेश्चन नंबर आपका सी बिल्कुल ठीक है, कपूरथला में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 115, पोग बांध किस नदी पर पाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ऑप्शन नंबर ए है गंगा, ऑप्शन नंबर बी ताप्ती, ऑप्शन नंबर सी यमुना, ऑप्शन नंबर डी ब्यास नदी। तो 115 का सही ऑप्शन है आपका ब्यास नदी पर बनाया गया पोग बांध, ये एसआई में आया था आपका क्वेश्चन 2017 के। इसके बाद है 116 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है। ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी स्टील, ऑप्शन नंबर सी केन फर्नीचर, ऑप्शन नंबर डी हैंडलूम। तो ऑप्शन नंबर यानी कि आपका इसका सही आंसर है वह 116 प्रश्न नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, स्टील। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 117, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर डी पटना। तो 117 का सही ऑप्शन कौन सा है, बी यानी कि आपका सॉरी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, पटना बिहार में है ये, कैपिटल बिहार की, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। 118 क्वेश्चन नंबर, जोग प्रपात किस नदी से संबंधित है। गोदावरी ऑप्शन नंबर एक है गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी शरावती, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 118 का सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी शरावती, ये शरावती लिखा है, ये शरावती नदी है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर आपका यानी कि 119, निम्न में से रेशेदार फसलें कौन सी हैं। ऑप्शन नंबर ए कपास तथा रेशम, ऑप्शन नंबर बी जूट और कपास, और इसका ऑप्शन नंबर सी रेशम और बांस, ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है डी इनमें कोई नहीं। तो इसका 119 का सही आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी जूट और कपास। और हमारे चैनल को आप जल्दी से लाइक कर दीजिए,
प्रश्न नंबर आपका 120, इनमें से कौन सा राज्य, यानी कि आपका इनमें से कौन सा राज्य सबसे अधिक मूल्य के खनिज उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो 120 का जो सही आंसर है वह आपका है मध्य प्रदेश। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 121, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी रोक सकती है? ऑप्शन नंबर ए दोमट, ऑप्शन नंबर बी बलुई, और ऑप्शन नंबर आपका सी मटियार, ऑप्शन नंबर डी लाल। तो 121 का सही ऑप्शन कौन सा है? सी मटियार किले। इसके बाद है प्रश्न नंबर 122, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूरब की ओर बहती है? ऑप्शन नंबर ए ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, इनमें से कोई नहीं। तो 120 का सही ऑप्शन कौन सा है? महानदी। ये सब नदियाँ कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में, और ये महानदी बंगाली खाड़ी में गिरती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 123, अकेला भारत ही विश्व आवश्यकता का कितना % यानी कि अभ्रक उत्पादन करता है, यानी माई का? ऑप्शन नंबर ए 90, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है 50%, ऑप्शन नंबर बी 65%, ऑप्शन नंबर सी 10%, ऑप्शन नंबर डी 89%। तो इसका 123 का सही ऑप्शन जो है आपका वह है आपका 65%। ये लेकिन आपका ऑप्शन आपका गलत दे रखा है। 123 का जो सही ऑप्शन है वह आपका लगभग 90% के आसपास भारत जो है अभ्रक उत्पादन करता है। इसका ऑप्शन ये लगाना आपको, क्योंकि अभ्रक में भारत प्रथम चल रहा है। इसके बाद है आपका 124, भारत में अधिकतम जनजातीय आबादी है, सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है? और आपका ऑप्शन नंबर ए भील, ऑप्शन नंबर बी संथाल, और ऑप्शन नंबर सी नाभाओ, और ऑप्शन नंबर डी मुंडाओ। तो इसकी इनमें से सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है? इसमें जो ऑप्शन है आपका, जो इसमें से ऑप्शन आपका ठीक बैठेगा वह आपका ऑप्शन है भील। लेकिन हम आपको बता दें कि इस समय वर्तमान के हिसाब से 2020 में जो ऑप्शन सही होना चाहिए था, इसमें देना चाहिए था इन लोगों को, वह आपका यानी कि आपका, हाँ इस समय जो रिपोर्ट आई बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपका ये क्वेश्चन बहुत पुराना रिपीट है, बहुत पुरानी किताब है ये। तो इसमें जो ऑप्शन जो भील दे रखा है यही इस समय चल रही है आपकी, यानी भारत की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी कौन सी है? जनजातीय कौन सी है? भील जनजाति है। लेकिन इससे पहले आपके 2019 में जो क्वेश्चन था वह आपका गौंड जनजाति का था। तो इसका जो बिल्कुल सही ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि बहुत पुरानी किताब है, ये पुराना रिपीट हो गया है, दोबारा डाटा नया आ गया है आपका। तो इसमें आपका क्या है, भारत में अधिकतम जनजाति आबादी क्या है? भीलों की है। ध्यान रखना आप, अगर ये भील नहीं हो तो उसमें आपको और मिलेगा गौंड जनजाति, तो आप लगा सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 125 का क्वेश्चन नंबर, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है, बरौनी, कोयली, मुंबई, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यानी कि आपका इसमें राइट आंसर होगा कोयली दे रखा है इसमें आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि ये कोयली का लगता है महाराष्ट्र में तेल शोधनशाला। तो ये आपके थे 125 क्वेश्चन नंबर तक हमने कवर कर लिए, यानी कि 101 से लेके 125 तक क्वेश्चन हमने 25 क्वेश्चनों कवर कर लिया है। और हमें कमेंट करके बताइए आप लोग कि हमारा वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो को शेयर करिए, और हमारे चैनल को लाइक करिए, और देखते रहिए आप लोग द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। और इसके बाद आपको वीडियो का जो पार्ट मिलेगा वह आपका 6 नंबर की वीडियो का पार्ट होगा। धन्यवाद।